हाय, गुड मॉर्निंग। आज शोभित बनाने जा रहा है वेरी सिंपल रेसिपी, पापड़ की चूरी। अभी हमने कुछ दिन पहले इसे टेस्ट किया है। दिस इज अ ट्रेडिशनल रेसिपी बट वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, डिलीशियस रेसिपी। आप इसे रोटी परांठा के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। रोटी परांठा दाल के साथ इसे खाएंगे तो खाने का टेस्ट बहुत ही एनहांस कर देती है। इसके लिए हमने 5-6 पापड़ लिए जिसे कि हमने माइक्रोवेव में रोस्ट कर लिया है। अब उसको बिल्कुल फाइनली ग्राइंड कर देना है, हाथ से ही बिल्कुल इसको ग्राइंड कर देना है बिल्कुल फाइनली। बहुत सिंपल रेसिपी है। शोभित कितना हो गया? थोड़ा और अच्छे से ग्राइंड करना है, थोड़ा और अच्छे से ग्राइंड करना है। जो जो मोटे पीस दिख रहे हैं उन्हें और अच्छे से करो। नेक्स्ट जो इसका इंग्रेडिएंट है वो भी बिल्कुल सिंपल ये हमने रखा हुआ है। 2 टेबलस्पून हमने घी के लिए हुए हैं। बस इसे हम हीट करेंगे और देन उसके अंदर मिक्स कर देंगे तो हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। हीट दिस। गर्म होने के बाद इसे स्पून से डालना घी को, जितना जरूरत होगी। पूरा नहीं डालेंगे अभी हम इसको। घी गर्म हो गया, गैस बंद कर देते हैं। नहीं, टेक दैट स्पून, स्मॉल स्पून। पूरा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आप डालो इसके अंदर। मतलब पहले मिक्स कर लो थोड़ा डाल के। अब इसे आप मिक्स करो। ना सफिशिएंट है इतना घी। इधर से सारा मिक्स करो। सभी साइड से निकालो। नाउ बस इट इज रेडी। नाउ शिफ्ट टू दैट एंड सर्व। यम्मी पापड़ की चूरी इज रेडी टू ईट। थैंक यू।